आगरा, श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़दास भी है। राजा जरासंध से युद्ध में 73 बार विजय होने पर राजा जरासंध ने भी बार अपनी सेना के आगे हजारों ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का हत्या का पाप ना करने के कारण युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनका नाम रणछोड़दास पड़ा। भगवताचार्य पवन नंदन ने बताया कि यह गलती भारतवर्ष के राजाओं ने कई बार दोहराई। मोहम्मद गजनवी ने कई बार भारतीय राजाओं से हारने के बाद सेना के आगे गायों को खड़ा कर दिया, जिससे भारतीय राजाओं ने हथियार डाल दिए। धर्म के मर्म को समझने के लिए उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहा कि धर्म तुम्हारी रक्षा तभी करेगा जब तुम धर्म की रक्षा करोगे। हिंदी भाषा के प्रति प्रेरित करते हुए उन्होंने हर घर में गीता व रामायण अवश्य होने की भी बात कही। घर में धर्म ग्रंथ होने से घर पवित्र होता है। बताई महारास की महिमा। महारास केवल नृत्य नहीं, यह वो परम अवस्था है जो जीव का परमात्मा से मिलन कराती है। रास की कथा को समझा कर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह परम आनंद का विषय है। जहाँ केवल नृत्यक और भंगिमा नहीं अपितु नृत्य के साथ भाव का होना परम आवश्यक। जिसमें सिर्फ नृत्य हो भाव नहीं, वह महारास नहीं। लेकिन इस परमानंद में प्रवेश करने के लिए कई सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। पहली सीढ़ी भागवत कथा है, दूसरी भक्ति और तीसरी सहज सरल और सुलभ गुरु की प्राप्ति। जयपुर हाउस स्थित श्री राम पार्क में मंगलमय परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य पवन नंदन जी ने कथा में गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, श्याम संग राधा नाचे रे, वह जाने कैसा जादू डाला, राधा हो गई हर ब्रजबाला, जैसे भजनों के माध्यम से महारास का सचित्र व संगीतमय वर्णन किया। तो सभी भक्तजन मंगलमय परिवार द्वारा भागवत कथा का छठा दिन है। बाकी का महाराज श्री का रुक्मणी विवाह, रासलीला, ये सब इन्होंने अपने यहाँ वर्णन किए, वर्णन में बताया। बाकी का जो है आप ये देख रहे हैं कि इन 6 दिन के अंदर जितने भी माता बहनें हैं लोग सभी बहुत चल रही है। और मंगलमय परिवार की आज कथा का छठा दिन है, जिसमें आज सबसे पहले महाराज जी ने महाराज लीला का वर्णन किया। और भगवान कृष्ण ने वह जो उनके भक्त थे उन लोगों को पहले पाप से मुक्त किया, फिर उसके बाद उसको महाराज लीला में उनको प्रवेश कराया। इस तरह का उन्होंने ज्ञान किया महाराज जी द्वारा। बहुत अच्छा प्रसंग आज उन्होंने